भाई आ, उस बारे में बात करते हैं यार थोड़ा बैक टू पॉलिटिक्स आप कह रहे थे कि <laughs> यार देखो पॉलिटिक्स में मैं मैं चैनल तो देखो मैं बहुत सारी बातें करता था मैं सोशल इश्यूज पे बात करता था वुमेन को लेके मैं बहुत बात करता था एक वीडियो तो मेरी आ, मदर ने के साथ मिलके मैंने बनाई थी लेकिन मेन जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी पीयूष भाई अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप अपने आस ना जितने भी लोग मिले होंगे आप किसी से पूछ लेना कि यार क्रिमिनल हमारे ऊपर जीत के आने चाहिए कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि जो कहे कि हमारे ऊपर क्रिमिनल जीतने चाहिए आप कोई नहीं मानेगा आप मैं कह रहा हूँ आप मैंने बहुत सर्वे किया है बहुत लोगों से पूछा बुझायाल क्या है यहाँ से थोड़ी दूर पे पार्लियामेंट है फोर्टी थ्री ऐसे कैंडिडेट जीत के आए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है अच्छा भाई क्वेश्चन से पहले आप समझ गए इस बारे में बात करने वालों अच्छा, में क्रिमिनल चार्जेस हैं अच्छा इसमें मैंने पूरा नहीं करा भाई का चालू हो गई माइंड रीडिंग भी करते हो क्या भाई आप तो तो आ, आ, जैसे क्रिमिनल हैं 43 परसेंट पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनल है ऐसा नहीं कि किसी ने आरोप लगा दिया वो वाले क्रिमिनल मतलब चार्जेस फ्रेम हो रखे हैं मतलब कि पुलिस गई है उनको एविडेंस मिले हैं उन्होंने आके रजिस्टर किया वो वो चार्जेस रेप और मर्डर के भी चार्जेस उसमें हैं आप ए की रिपोर्ट अगर आप देखोगे ए की वेबसाइट पर सारी डिटेल है मैं हर चुनाव जब भी चुनाव आता है अभी जैसे जो भी रिसेंट चुनाव होते हैं तो मैं क्या करता हूँ अपने सारे पोस्टों में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे नेताओं की डिटेल देता हूँ कि इसके ऊपर इतने केसेस हैं इसके ऊपर इतना फाइनेंशियल फ्रॉड है मैं वो सब करता हूँ तो वो अभी मैं बताऊँगा आगे, आगे आपको फिर से <laughs> वीडियो की तरह हाँ। वीडियो की तरह वो मैं आपको भी आगे बताऊँगा तो आपको आप मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार अगर हम कोई चाहते ही नहीं है क्रिमिनल्स को वोट करना तो कैसे ये छोटा मोटा नंबर नहीं है कैसे आके बैठ रहे हैं वो तो भाई उनकी सजा पूरी हो गई है गए या फिर फिर वो केस चल रहे हैं, वो केस केस चल की... चल रहे रहे हैं हैं एक तरीके से अतीक, अहमद, करवा अतीक अहमद के ऊपर सौ से ऊपर केस थे कोई प्रूफ थोड़ी हो पाया एक प्रूफ हुआ वो भी उसके जाने से पहले अतीक अहमद जिनके ऊपर यह आरोप थे कि उन्होंने चौराहे पे क्रूड बॉम्ब फेंका क्रूड बॉम्ब फेंका उन्होंने हमारे देश की यूएस और इंडिया की न्यूक्लियर डील पे वोटिंग करी है अगेंस्ट में करी थी आप आप सोच रहे हो उनके ऊपर इतने केस हैं उन्होंने खुद कितनी बार उसने खुद कितनी बार वो करा कि मैंने ये ये क्राइम करे हैं कई लोगों ने फुटेज भी आ रखी है जो आप देखोगे उसके ऊपर बहुत सारी बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में जाके शपथ ली है कि मैं कानून की मैं मेक श्योर sure करूंगा कि कानून ना टूटे तो ये सारी चीज़ें देखते हो आप तो इतने सारे क्रिमिनल क्यों आ रहे हैं क्वेश्चन तो बड़ा लॉजिकल है ना यार इसी क्वेश्चन को लेके हम पहली वीडियो करी थी हमने पहली नहीं दूसरी तीसरी करी थी लेकिन ये शुरू से माइंड में था बहुत रिसर्च करी थी हमने इस पर तो बाद में पता चला जो आप सोचते हो सब चीज़ें बहुत अलग रहती हैं ग्राउंड रियलिटी पॉलिटिशियंस की भी मजबूरी है क्रिमिनल्स की भी मजबूरी है और ये पूरा गेम चल रहा है ये पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया भाई कि केस बाहर ही नहीं आते अब सिस्टम ही ऐसा है कि इंडिया है में है है कि सब जाता में या ये ये भी हर जगह हमें पता चलता नहीं, है, गेम नहीं। ये मुझे है। तो पर्सनली ऐसा लगता है कि की भी होगा जैसे यहाँ पे यहाँ पे डिग्री ज्यादा होगी पर भी होता होगा ऐसा नहीं है वो लोग क्लीन है पूरे भाई करप्शन तो होगा भाई यार होगा करप्शन वगैरह लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिक्स है जो बूथ लेवल पे चलती है वोटिंग वगैरह उसमें क्रिमिनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप कल को नेता बनना चाहते हो तो चलो इसको भी अब डिटेल में बात कर लेते हैं अगर आप नेता बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि बस गए लिमिट तो यह है कि एक अगर एम है मेरे ख्याल पचास से सत्तर लाख के बीच में लिमिट है इतना आप खर्च कर सकते हो एक एम इसी यही रेंज है अलग अलग स्टेट पर डिवाइड होती है आप एक बार चेक कर लेना यही रेंज है वैसे तो इतने ये तो रूल है लेकिन इतने में आपको भी पता है इतने में तो पार्टी टिकट ही नहीं देने की जो हाँ। साठ हजार करोड़ लगे हैं तो आप समझ रहे हो कि कितना पैसा इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में जो क्रिमिनल होता है वो मसल पावर और ये पैसा इकट्ठा करने की दोनों की बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है नेता के लिए वो बहुत काम की चीज़ होता है उसको भीड़ इकट्ठी करनी है सबसे पहले नंबर पर वो आगे है उसका लिंक इतना है पैसा इकट्ठा करना पैसा आप वाइट कॉलर जो जिस एरिया का जो नेता है उसके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं बिजनेसमैन हैं वहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वो उनसे पैसा वही लोग लेके आते हैं पार्टी फ़ंड के नाम पे वो पैसा लेके आते हैं पार्टी फंड के नाम पे और वहाँ से ऐसा पैसा इकट्ठा होता है इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट और पहले बहुत इम्पोर्टेंट रोल अब ज़्यादा प्ले करने लगे हैं पहले तो ये रहता था इन लोगों से यही सब काम कराए जाते थे कि बूथ कैप्चर करा लो ये करा लो फिर लेकिन ये भी समझदार होते गए कि भाई पैसा मैं ला रहा हूँ बूथ कैप्चर मैं कर रहा हूँ भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ सब सफ़ेद को कुर्ता तुम लोग पहनोगे फिर उन्होंने ये भी आगे उतर गए इनमें भी समझ आया ये भी बहुत डेवलप हुए हैं जितने क्रिमिनल हैं आप देखोगे बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया इन लोगों में भी तो ये जो मजबूरी है इंडियन पॉलिटिक्स की और क्रिमिनल्स की ये हमने वीडियो में बात करी है आप और डिटेल में आपको जानना होगा तो वो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी वैसे तो भाई देखा जाए तो दलदल -दल ही है एक तरीके का दल -दल कि आपको गंदा काम भी करना है और अच्छा भी करना है लेकिन गंदा ज़्यादा करना है पीछे से लोगों की भी गलती है कि मतलब एक एक शराब की बोतल और पाँच सौ रुपये में जो वो वोट बेच देते हैं। ये भाई बहुत बड़ा वो है लेकिन मैंने वो भी देखा उनकी भी मजबूरी है हर तरफ दिक्कत है ना उनके लिए भी कोई भाई इससे नहीं लेंगे उससे लेंगे वो भी अलग तरीके से दिक्कत कर रहे हैं वो तो वो लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता पाँच सौ रुपये और दारू के लिए जो वोट आपका बिक रहा है जो इतने हज़ार करोड़ रुपए लगा के जो नेता आ रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखेगा अपना जिस पैसे में आपके स्कूल बनते आपके बच्चों के लिए आज आपको प्राइवेट स्कूल में इसीलिए तो भेजना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है यही तो इसीलिए तो है वो आप बे, क्योंकि बेच आए हो ना वोट आप अपना दारू और पैसे में तो ये दिक्कत है लेकिन उनके सामने भी दिक्कत है वो क्या करेंगे इधर नहीं जाएंगे तो उधर से जाएंगे